हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड, केक कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, ट्रैफल भी इसको कहते हैं। और मैं बना रही हूँ तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं पहले भी काफ़ी टाइम पहले आपको शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज बना रही हूँ तो चलिए शेयर कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए पहले मैंने जो पैकेट में मिलते हैं पैक कस्टर्ड रेडी होते हैं वो था, लेकिन आज मैं खुद बनाऊंगी। पाउडर है मेरे पास, कस्टर्ड पाउडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेली बनाऊंगी और 1 कप मैं पानी इसमें डालूंगी। पानी मैंने इसमें डाल दिया, तब तक ये गर्म होता है। अच्छे से गर्म होगा तो इसमें जेली डालूंगी। ये 2 टैकी डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी थिक वाली मुझे बनानी है जेली, मोटी वाली, मोटे पीसेस वाली, तो इसमें ज़्यादा बनाऊंगी। और ये है कस्टर्ड पाउडर मेरे पास, तो आज मैं पाउडर से ही बनाऊंगी। पानी अच्छे से गर्म हो जाए, तो पानी अच्छे से बॉईल हो गया। इसमें मैं डालती हूँ दोनों पैकेट जेली को। इसको चलाते रहना है, इसकी घुटियाँ बस ख़त्म करनी होती है। जैसे शुगर के होते हैं पीसेस, दाने दाने, तो इसको अच्छे से मिक्स करना। चलिए अच्छे से ये हो गया ये मिक्स। अब इसको डालते हैं मोल्ड में, किसी में भी डाल दें ताकि अच्छे से ये इसके क्यूब्स अच्छे से बन जाए। तो ये मैं स्क्वायर वाला लिया है, मैंने ये वाला इसमें डालूंगी ताकि इसकी कटिंग अच्छी क्यूब में हो जाएगी। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। जब तक मैं अपना कस्टर्ड रेडी कर लेती हूँ, इसमें मिल्क डाल दिया है मैंने। और जब तक ये बॉईल होता रहेगा अच्छा। शुगर भी डाल सकते हैं, मेरे पास कंडेंस मिल्क है तो मैंने ये डाल दिया है, डाल रही हूँ। एक टेबल स्पून दो टेबल स्पून मैंने डाले। कस्टर्ड ही इसमें मैं शामिल करूंगी।
ये तकरीबन इसमें 3 टेबल स्पून मैंने डाले, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 kg होगा, ये एक वन से ज़्यादा है। ये मैंने एक पैकेट डाला था और थोड़ा सा और डाला था एक्स्ट्रा। अच्छा, मैंने मैंगो लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं फ्लेवर, और जेली भी मेरे पास मैंगो थी तो मैंने मैंगो ही फ्लेवर में किया है। फ्रूट आप जो दिल चाहे डाल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंगो है तो मैंगो मैंगो ही चीज़ मैंगो मैंगो ही हो सारी चीज़ें। फ्रूट तो मिक्स अच्छा लगता है। अब बस उसको थोड़ा सा पकाना है। बस थोड़ा सा मीठा टेस्ट कर लूँ मैं। ज़बरदस्त हो गया है। अच्छा, इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि इसमें केक जाएगा तो फिर और ज़्यादा इसको ले लीजिए। बस इतना हो गया, इसको करते हैं हम बंद और थोड़ा सा ये कूल डाउन हो जाए तो फिर इसको मैं डालूँगी डिश में और असेंबल करूँगी इसकी चीज़ें, और जब तक मैं फ्रूट वगैरह काटती हूँ। तो जेली हो गई है रेडी और कस्टर्ड अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा और हो जाएगा तो फिर इसको फिर असेंबल करेंगे। और इसकी मैं ये क्यूब में आ गई है, और फ्रूट्स वगैरह फ्रूट मेरे पास जो भी आपके पास अवेलेबल वो ये आप डालें। मैंने थोड़े से वॉलनट और थोड़े से ये रेजन्स हैं और इसको और एप्पल है और थोड़े से ग्रेप्स हैं और दैट्स इट। और चलिए केक निकालते हैं। तो ये हो गया है, अभी भी गर्म है लेकिन अब इसमें मैं डालती हूँ रेजन्स। ये जब फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा खुद ब खुद हो जाना इसने। वॉलनट इसमें डाल देती हूँ थोड़े से, अब डालते हैं बॉल में जी। तो इसमें मैंने केक डाला है, मैंने बनाया हुआ था इसका ब्लूबेरी केक। तो आप कोई सा भी केक डाल सकते हैं, इसमें प्लेन भी डाल सकते हैं तो ये ज़रा और अच्छा फ्लेवर लगेगा। फ्रूट है इसमें तो और अच्छा फ्लेवर लगेगा। तो इसको मैंने सारा इसको लगा दिया, असेंबल कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड,
सा बनाना और ग्रेप्स डालूँगी, कोई से भी फ्रूट आप डाल सकते हैं घर में जो भी हो, स्पेशल नहीं है कि कोई खरीदे, घर में जो भी फ्रूट आप डालें उसको। और इसी तरह ये मैं थोड़ा हाथ से ही डालूंगी। जेली तो बच्चों की, बड़ों की, सबकी मोस्ट फेवरेट होती है। जेली इसलिए ज़्यादा डालिए, बच्चों को बहुत पसंद होती है जेली, तो ज़रा अच्छी लगती है, बड़ों को भी बच्चों को भी, सबकी फेवरेट है। इसको मैं थोड़े से वॉलनट ऐसे ही डाल रही हूँ मैं। और